फिर बोतल का बैक साइड से ये वाला बना हुआ है और ये सब कुछ मतलब अंदर पूरा बोतल है, इसके अंदर नेट हुआ है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. घर आए, घर आके लंच किया, अभी 3 बज रहा है, 3 बजने में और 10 मिनट बाकी है, एग्जैक्ट 3 नहीं बजा है। सो अभी जाऊंगा प्यू को छोड़ने के लिए, प्यू को छोड़ने के बाद जाऊंगा एक अनोखा पार्क पे जो यहाँ पे रिसेंटली बना है, जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोग ये बोतल, अभी ये अगर पेप्सी कोकोला का बोतल होता तो हम लोग पीने के बाद क्या होता है वो हम लोग फेंक देते हैं, तो वो पार्क ऐसे ही बना है कि ये सब वेस्टेज प्रोडक्ट से वो वाला पार्क बना। सो मैं प्यू को छोड़ के आके थोड़ा बहुत काम करते करते कब मेरा आँख लग गया मेरे को पता भी नहीं चला, मैं बस सो गया। अभी उठा नींद से, उठने के बाद मैंने देखा कि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बज रहा है। मैं बोला बाप रे बाप, मैं करीबन 2.5 घंटा सो गया और ख़तरनाक वाला, मतलब कोई आके बुलाएगा भी मेरे को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि वो यहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट से बना है, मेरे को वहाँ जाना है, एक बार कवर करना है, एक बार आप लोगों को दिखाना है। सो बहुत ही अच्छा मैंने उस दिन देखा है, बाहर जाते हुए मैंने देखा है, ऑन द वे मैंने देखा है कि कितना अच्छा लाइटिंग किया है, कितना अच्छा व्यू है वहाँ का। तो मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, आप लोग एक बार मतलब जब भी विजिट करो पोर्ट ब्लेयर में, जब भी अंडमान आओ एक बार वो जगह विजिट करो। टाइम हो रहा है 7, मैं अभी पूरा रेडी हो गया हूँ, अभी प्यू को लेने जाना है, लेने के बाद अभी वहाँ से जाना है थोड़ा बाजार में, फिर वो पार्क पे जाना है, थोड़ा बहुत काम है बाहर, काम खत्म करके फिर मैं घर आऊँगा। घर तो जो गलती का बात मैं कर रहा था वो मेरा यूट्यूब वीडियो का है, मैं पता नहीं था वो सॉफ्टवेयर के बारे में, मूवा भी एक वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था मेरे को, मैं वीडियो एडिटर 360 डाउनलोड कर लिया। अभी मेरे को पता नहीं था कि 360 अलग से उसको, मैं सोचा कि उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा फिर ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है तो वीडियो पूरा गलत आया। सो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला वीडियो और एक बार डाल दूँ, कभी ये वाला वीडियो तो आएगा ही, उसके पहले वो वाला वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एडिट करके और एक बार डाल दूँ आप। I'm a work 9, if the shit tastes sour you should taste mine, I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. अभी जो पार्क पे मैं हूँ, ये पोर्ट ब्लेयर का एक पार्क है जहाँ पे बहुत कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट से बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे पुराना फटा वाला कपड़ा, फिर वहाँ पे जैसे वीडियो में आप लोग देखे हो कि सीडी का डिस्क वगैरह, जो हम लोग पुराना जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता था सीडी, वो सीडी से बनाया हुआ है, मतलब सब कुछ एकदम पूरा वेस्टेज प्रोडक्ट से, बोतल का ढक्कन, फिर जो बियर बोतल, ड्रिंकिंग बोतल, वो सब बोतल से, मतलब अनोखा अनोखा वाला पार्क। कभी भी पोर्ट ब्लेयर आ तो विजिट करो एक बार ये वाला पार्क को। जैसा कि मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट डिक से बनाया हुआ है, ये वाला देख सकते हो आप लोग, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिक से पूरा ये वाला पूरा एकदम बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब फुल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट से ये वाला बना हुआ है एकदम। फिर बोतल का बैक साइड से ये वाला बना हुआ है और ये सब कुछ मतलब अंदर पूरा बोतल है, इसके अंदर नेट हुआ है, सब कुछ अंदर में बोतल वगैरह देके, मतलब फुल ऑफ जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ से ये वाला पार्क पूरा बना है। और जैसे कि ये वाला पार्ट भी पार्क का हिस्सा है, नॉर्मल पेड़ को ही एकदम लाइट वगैरह देके इतना अच्छे से डेकोरेट किया है कि इसका लुक ही चेंज हो गया है पूरा, मतलब पूरा अनोखा टाइप का आइडिया है, अनोखा टाइप का पूरा डिज़ाइन है एकदम।
सो फाइनली हम लोग घर आ गए, मैं और पीयू घर आ गए। अभी थोड़ा बहुत घर का काम है वो खत्म करेंगे, फिर खाना पकाने जाएंगे। उसके बाद मेरे को ब्लॉग को एडिट करने के लिए भी बैठना है। अभी फटाफट मैं चाय बना लेता हूँ। अभी पीयू को क्या है पता नहीं, अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ उसको, चाय का थोड़ा सा भी नशा नहीं था, अभी उसको पकड़ लिया है चाय का नशा। उसको डेली शाम को नहीं उसको चाय चाहिए। चाहिए। जैसे मैंने बोला ब्लॉग पे कि उसको चाय का नशा पकड़ लिया है, वैसे ही उसने बोला कि उसको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसको चाहिए। मेरे को पता है, उसके लिए बिस्किट अलग से लेके आया। मैं अभी चाय बनाता हूँ फटाफट जाके। सो अभी यहाँ पे चाय बन रहा है, मेरा वाला होगा लाल चाय, पीयू का होगा दूध चाय, क्योंकि मैं दूध चाय नहीं पीता, मेरा थोड़ा सा एसिड हो जाता है। और रात का डिनर में हम लोग बनाएंगे चाउमीन। बहुत दिन के बाद नहीं, बेसिकली 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाया था। आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का बनाएंगे, लेकिन अभी सब्जी भी नहीं काटा, अभी चाउमीन भी गर्म नहीं किया, मैंने बॉयल भी नहीं किया। पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद उस पर हाथ लगाता हूँ। सो मेरा लाल चाय हो गया, पीयू का दूध वाला चाय हो गया है। मेरा कप में नहीं, मेरा ग्लास में इसीलिए है क्योंकि अभी कप उतारने के लिए फिर से चढ़ो, फिर से उसको उतारो पैकेट से। मैं बोला ठीक है छोड़ दो भाई, ग्लास में ही पी लेते हैं, और पीयू का कप यहाँ पे ही रहता है, इसलिए पीयू का कप में है, मेरा ग्लास में है। चाय के लिए दो दो बिस्किट पैकेट नहीं है, बिस्किट पैकेट फाड़ने के बाद आपको पता चलेगा सिर्फ 4 बिस्किट रहता है। देखो कितना बिस्किट है, सिर्फ 5 ही बन रहा है हम लोगों का चाउमीन। तो उसके लिए चाउमीन यहाँ पे गरम हो रहा है, जो चाउ है उसको थोड़ा सा पानी में उबल रहे हैं, और ये सब्जी वगैरह हम लोग थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे हम लोगों का आज का चिकन चाउमीन। सो फटाफट मैं बना लेता हूँ। मेरे को चाउमीन बन के रेडी हो गया है, जो यहाँ पे रख दिया है मैंने फूल, एकदम रेडी हो वाला चिकन वाला चाउमीन हो गया। अभी यहाँ पे जो फ्राई हो रहा है वो हो रहा है बैगन चाउमीन के साथ में, वो अलग से फ्राई करके रखा है, क्योंकि ये वाला सूख के एकदम कोहरा टाइप हो गया, मतलब एकदम सूख गया था और कुछ बचा नहीं था। तो कुछ कुछ जगह जैसे काट के रखा है मैंने, ये सब मतलब एकदम छेद छेद हो गया था, ये सब में मैल जम गया था, इसलिए ये वाला छेद करके रख दिया। उसको फ्राई भी कर लिया, मैं बोला चलो भाई ऐसे फ्रिज में रख दूंगा, ये वाला ख़राब होगा, वेस्ट ऑफ मनी, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया फ्राई करके रख दिया। सॉलिड हुआ, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा बन जाएगा कभी। सो मेरा खाना बनाना हो गया है कंप्लीट। अभी किचन का हालत पूरा ऐसा ऐसा हो गया, पूरा मैल मैल हो गया है किचन में। अभी इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि पीयू का तबीयत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा लो इसको फील हो रहा है। सो मैं अभी किचन को साफ कर देता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ। क्योंकि तो किचन का काम हो गया है खत्म, किचन मैंने एकदम पोछ पाछ के एकदम साफ कर दिया है। तो मैं सोचा कि और कुछ काम बचा है तो कर लेता हूँ, क्योंकि कल सुबह पानी देगा, उससे पहले मेरे को ये जो पानी है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें ही टॉप अप कर देगा। सो मेरा प्रॉफिट के लिए मैंने क्या किया, मैं बोला थोड़ा कपड़ा बचा है उसको मैं साफ कर लेता हूँ, अगर वॉशिंग हो जाएगा तो कल के लिए टेंशन नहीं रहेगा, मेरा कपड़ा भी वॉशिंग अप टू डेट रहेगा, और कल सुबह टॉप अप पानी नहीं, पूरा एकदम फुल टैंक पानी मिल जाएगा कल। रात को 10:30 बजे उसको आइसक्रीम खाने का मन होता है, मतलब मूड इतना स्विंग होता है ना, मतलब मालूम ही नहीं चलेगा मूड इतना स्विंग होगा इसका। रात को 10:30 बजे उसको आइसक्रीम खाने का मन है। रात को तो ब्लॉग एडिट करते करते मेरा आँख लग गया, मैं सो गया, और अभी उठा जस्ट 15-20 मिनट पहले मैं उठा, अभी टिफिन कर लिया, अभी मेरे को जाना है ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नया वाला ब्लॉग को शुरू करना पड़ेगा। सो इसके लिए ब्लॉग अगर यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगता है फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग। We'll be right back.